इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सादृश्यता में दो टाइप के अपन ने देख लिए थे और उसके आगे जो कुछ प्रश्न रह गए थे उसको अपन कंप्लीट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है? सादृश्यता। जिस प्रकार ये कह रहा स्वर्ण और स्वर्णकार का, जैसे स्वर्ण का संबंध स्वर्णकार से है, उसी प्रकार चमड़ा का संबंध किससे होगा? क्या बताओगे? मोची बताओगे या चर्मकार बताओगे? चर्मकार बताएंगे। हाँ, सोने होता पे मोची हो जाता है ना। हाँ, तो इसमें क्या आंसर होगा? चर्मकार। चमड़े का काम करने, सोने का काम करने वाला स्वर्णकार और चमड़े का काम करने वाला चर्मकार। जिस प्रकार कीट का संबंध मक्खी से है, स्तनपायी का संबंध किससे होगा? कीट, कीट में एक आता मक्खी, मतलब मक्खी किसकी प्रजाति? कीट है। मक्खी किसमें आती है? कीट में। वैसे स्तनपायी में कौन आएगा जो ऑप्शन दे रखा है उसमें से? स्तनपायी में जो ऑप्शन दे रखा, मछली, पक्षी, सांप, मानव, तो स्तनपायी हो जाएगा मानव। मानव यहां पर आंसर होगा। अगला है, संगीत का संबंध स्वर लिपि से है, तो बताओ कविता का संबंध किससे होगा? पद्य, पद, वाक्य या पंक्तियां? संगीत में एक बार बोलना है, बस एक आदमी को एक बार ही बोलना है। यह है सही है या गलत तो मैं बता दूंगा आपको। हाँ, संगीत, संगीत में स्वर लिपि होती है, उसी प्रकार कविता में क्या होता है? पद होता है। कविता में पद होता है। चले आगे। हाँ, नेक्स्ट बताओ, ये कह रहा है कि चूहा और बिल्ली में जो संबंध है कीड़ा का किससे होगा? रेशम से, पक्षी से, पृथ्वी से या मछली पकड़ना? पक्षी। कैसे बताओगे संबंध इसमें? चूहे को बिल्ली खाती है, कीड़ा को पक्षी खाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पक्षी। गाजर और जड़, ये कह रहा गाजर एक जड़ है, तो सेब क्या है? फल या बीज? गाजर को अपन जड़ मानते हैं, वैसे सेब क्या है? सेब एक फल है। नेक्स्ट, शिल्पी, छेनी, लेखक, शिल्पी वास्तुकार का जो औजार है वो क्या है? छेनी। वैसे लेखक है, लेखक का औजार क्या होगा? शिल्पी जो भी रूप देता है वो किससे देता है? छेनी से। लेखक, लेखक की पहचान क्या है? पेन। वो जो भी कविता लिखेगा वो पेन से लिखेगा। चले आगे। हाँ, लेखक का पेन हो जाएगा। वयस्क, वयस्क की बच्चा, पुष्प, बीज, कली, फल या तना? बताओ कैसे? एक बोलेगा। हाँ बोलो जी भैया जी। हाँ जी, वयस्क, वयस्क से पहले की आयु बच्चा है। वयस्क यानी बड़ा आदमी है, उससे पहले की आयु क्या कहलाती है? बच्चा। और पुष्प, फूल, फूल खिलने से पहले की अवस्था कौन सी है? कली। पहले कली आई, कली से फूल, फूल से फल, है ना? यहाँ पर फल होता तो अपन क्या बताते? फूल। टाइपिस्ट
टाइपिस्ट टाइपराइटर, टाइपिस्ट किस पर, टाइपिस्ट पे टाइपराइटर पे काम करते हैं, उसी प्रकार लेखक, लेखक का क्या हो जाएगा, पेन। टाइपिस्ट जो होते हैं टाइप करने वाले, किस पर टाइप करते हैं वो, टाइपिस्ट से। उनका औजार टाइपिस्ट है तो लेखक का क्या हो जाएगा, पेन या लेखनी। ठीक है, एक ध्यान रखना, किसी भी ऑप्शन में कोष्टक आ रहा है, यदि आपको अच्छा आ रहा है भाई ये कोष्टक आ रहा है फिर भी इसका आंसर ये नहीं है, पुस्तक ही है, तो आपको वही करना है, पुस्तक जिसे आ रहा जो करना। लेकिन नहीं आ रहा है और दो ऑप्शनों में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, या तो पेन या कागज है, या तो पेन या कागज है, दोनों में 50-50 चांसेज है, एक में कोष्टक लगा हुआ है, तो फिर आप किसको करोगे, तो आप कोष्टक वाले को करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं, हाँ आगे माइक्रोफोन, माइक्रोफोन प्रबल साउंड सूक्ष्मदर्शी, बताओ क्या होगा इसका, माइक्रोफोन प्रबल या लाउड, माइक्रोफोन जो तेज आवाज, तेज आवाज के लिए इसे जाना जाता है, माइक्रोफोन को तेज आवाज के लिए जिस प्रकार जाना जाता है उसी प्रकार सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी का काम क्या होता है, जूम करना, जूम करना, और इसका हो जाएगा आवर्धन करना, जूम करने को हिंदी में क्या कहते हैं, आवर्धन करना। ठीक है, चलिए आगे, नेक्स्ट, जिस प्रकार कप का संबंध ओट से है तो बताओ पक्षी का संबंध किससे होगा, किससे होगा, आदमी जो है ओट, कप किस में पकड़ते हैं, ओट और हाँ ओट टू के बीच में क्या, कप ही रखते हैं ना, पक्षी, पक्षी अपने चोंच में क्या रखेंगे, वन रखेंगे, झाड़ी, लकड़ी या घास, घास, घास। यस, जिस प्रकार बरसात का छतरी से संबंध है बाढ़ का, भाई साहब बरसात होती तो उससे बचने के लिए छतरी का प्रयोग करते, उसी प्रकार बाढ़ आता तो बाढ़ से बचने के लिए क्या करते हैं, बांध का निर्माण करते हैं, भाई पानी आएगा तो वो बांध बना हुआ रहेगा तो ज्यादा पानी आएगा तो वो रुक जाएगा, बांध में अपन रोक देते हैं, तो बाढ़ से बचने के लिए क्या करते हैं, बांध का निर्माण किया जाता है। उपग्रह कक्षा प्रक्षेपणास्त्र क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोष्ठक दिख रहा है इसलिए, जिस प्रकार से उपग्रह अपनी कक्षा में गमन करते हैं, है ना, उपग्रह जो अपनी कक्षा में गमन करते हैं, घूमते हैं, उसी प्रकार प्रक्षण, प्रक्षणास्त्र जो है वो प्रपथ में गमन करते हैं, घूमते हैं। चलो आगे देखिए, वर्षा मापी का संबंध वर्षा से है, सिस्मोग्राफ का संबंध क्या बताओगे इसका रीजन, रीजन वर्षा मापी से वर्षा को मापा जाता है, सिस्मोग्राफ से भूकंप को मापा जाता है ना। नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, नगर देश पृथ्वी, हाँ जी, या सौर मंडल करो या क्या करो, सौर मंडल,
जिस प्रकार नगर है, देश के अंदर क्या होता है? नगर होता है। पृथ्वी, पृथ्वी किसके अंदर होती है? सौर मंडल। यहाँ नगर की जगह पर राज्य होता, राज्य, देश, फिर पृथ्वी, तो ग्रह बताते, ग्रह बताते। भाई देश, देश का छोटा भाग क्या? राज्य। कई राज्य मिलकर के देश होता। और फिर अपन क्या बताएंगे? ग्रह, पृथ्वी किसका भाग है? ग्रह का। कई सारे ऐसे ग्रह बनकर, ग्रह बन रहे हैं, सारे सारे ग्रह। ये चीज समझ में ही नहीं है? अभी वाला प्रश्न आ गया। प्रथम है, अंतिम है, निष्ठा। प्रथम, प्रथम का अपोजिट दे दिया आपको अंतिम। निष्ठा, निष्ठा का अपोजिट क्या हो जाएगा? एक तो बिल्कुल निष्ठावादी होते हैं, विश्वास, विश्वास, विश्वासी व्यक्ति, और उसका अपोजिट हो जाएगा विश्वास का। नेक्स्ट, नेत्र विज्ञानी। नेत्र विज्ञानी किसका अध्ययन करते हैं जी? नेत्र विज्ञानी नेत्र के उपचार का अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार से जेरेंटालॉजिस्ट, ये किसका हो जाएगा? जटर शोध का। हाँ, नेक्स्ट, दोषी दोष मुक्त, दोषी दोष मुक्त, यानी दोषी और एक उल्टा हो गया, दोष मुक्त। आकर्षित, आकर्षित का मतलब अपनी ओर खींचना, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? विकर्षित। नेक्स्ट, डंटल, घास, तना, वृक्ष, घास के डंटल होता है ना, वैसे तना किसके होते हैं? वृक्ष का। यूं नहीं कहते हैं ले जा जा देखे एक घास का तना लेके आ जा, थोड़ी बोल। तना किसमें होता है? वृक्ष में होता है। कब, कहां, कब समय, कहां, कब, कब इसका मतलब समय पूछा जा रहा, कब समय, यानी कब बोला तो समय को जानना चाहता है। कहां, क्या जानना चाहते हैं? राइट आंसर क्या होगा? स्थान, स्थान को जानना चाहते हैं। घसीट मारना, लिखना, जब लिखते हैं तब क्या करते हैं? घसीटते हुए लिखते हैं। हक लाना, ये बोलना से संबंधित है। बिल्ली, खेलने, घोड़े, एक बिल्ली एक खेलने प्रजाति का पशु है। बिल्ली क्या है? खेलने प्रजाति का पशु है। उसी प्रकार जो घोड़े है ना, वो भी कौन से प्रजाति के पशु है? एकिन प्रजाति के पशु। चले जी आगे, कोई डाउट? गलफड़ा, गलफड़ा का संबंध किससे है? मछली से। गलफड़ा मछली, मानव, नाक, 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 ऐसे उल्टा देना चाहिए था इसको। मछली अनुपात गलफड़ा होना चाहिए, फिर मानव अनुपात ऐसा होना, क्या हो जाएगा? नाक हो जाएगा। मछली सांस किससे लेती है? गलफड़ों से। और आदमी, मानव सांस किससे लेता है? नाक से। कुंची, पैंट, बेलचा, बेलचा जानते हो? पेंट, पेंट करने की वो ब्रश होता है, उसको क्या कहते हैं? कुंची बोलते हैं, ब्रश होता ना, कूचड़ी। हाँ, कूचड़ी। वो जो पेंट, पेंट करने का काम जो औजार है वो क्या है? कुंची। वैसे बेलचा जो औजार है, कोयला इकट्ठा करने, कोयला, कोयला इकट्ठा करने का जो पार्ट, जो है साधन है। बाबू ऊपर दिख रही है मानो, तो यहाँ दिख रहा है, तो फिर फोन के हाथ में तो लगो, क्या हो जाएगा यहाँ पे? कोयला, पंजा,
बारहमासिया भी रखते हैं। खुरदरा, खुरदरा क्या हो जाएगा? खुरदरा का आपको दे रखा चिकना। खुरदरा एक तो खुरदरा है और अपोजिट दे दिया चिकना। व्यवस्थित इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? बेड। एक तो व्यवस्थित बिल्कुल आपकी तरह व्यवस्थित रहे और दूसरा हो जाएगा बेट, बेडंगा। खुरदरा यानी उबड़ खाबड़ ऐसे ऊंचा नीचा ऊंचा, ठीक है। एक कांच है जिसके ऊपर खड्डा 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 हो रहा खुरदरा। एक कांच बिल्कुल सिंपल, आटो थोड़ा सा रगस गया तो धड़ाधड़ जा बिल्कुल चिकना। बेडंगा सॉरी खुरदरा थोड़ा ऊंचा नीचा और एक बिल्कुल समतल हो गया चिकना। अपोजिट दे रखा एक व्यवस्थित बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? बेढंगा। तापमापी तापक्रम वायु दाब मापी, तापमापी से तापक्रम वायु दाब मापी से दाब। नेक्स्ट हाथ इसमें देख लेना कोई बात नहीं, हाथ इसमें से देख लो फिर बाद में ले लेना पेपर। निर्माण करना नष्ट करना, निर्माण करना इसका अपोजिट दे दिया है नष्ट करना। तो बताओ संगणित करना का अपोजिट क्या हो जाएगा? संगणित करने का मतलब इकट्ठा करना। निर्माण करना इसका अपोजिट दे दिया है नष्ट करना। विलोम दे रखा संगणित करना, संगणित का मतलब होता इकट्ठा करना है ना, एक साथ इकट्ठा करना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? प्रसार करना। चलचित्र, चलचित्र यानी सिनेमा है ना, सिनेमा हॉल टॉकीज। इसका संबंध दर्शक गण है, तो इस सिनेमा हॉल में कौन रहेंगे? दर्शक गण रहेंगे। गिरजाघर में कौन होंगे? गिरजाघर में कौन होंगे? भक्त मंडली। गिरजाघर भक्त मंडली ईसाइयों का प्रार्थना स्थल है क्या? गिरजाघर। हाँ नेक्स्ट मांस शाकाहारी मध्य, मांस मांस का बिल्कुल सेवन नहीं करने वाला क्या कहलाता है? शाकाहारी। मांस का सेवन नहीं करने वाला शाकाहारी कहलाता है। मध्य इसको त्याग करने वाला, हाँ मध्य त्यागी। नेक्स्ट जिस प्रकार सोमवार का संबंध चंद्रमा से है, तो बताओ मंगलवार का संबंध किससे होगा? किससे होगा? मंगल से। सोमवार, सोमवार अपन किस देवता का मानते हैं? चंद्रमा को मानते हैं। हाँ चंद्रमा का भी मानते, शिव जी के सिर पर नहीं रहते चंद्रमा। मंगलवार में मंगल का। अश्वशाला, अश्वशाला में किसको रखते हैं? घोड़े को। सुअर बाड़ा में, वैसे केवल सुअर ही देना, बाड़ा ही देना चाहिए थे। बाड़ा में किसको रखते हैं? सुअर। बाग नहीं, बाड़ा सुअरों के लिए जाना जाता है। गायों को रखने का निवास स्थान गौशाला कहलाता है, घोड़े के रखने का स्थान अश्वशाला कहलाता है, सुअरों को रखने का स्थान बाड़ा कहलाता है। हाँ? पैंशाला कहते हैं। बाघ संपूर्ण चाप
वृत्त, जैसे ये संपूर्ण है, पूरा का पूरा, पूरा का आपने क्या लिया, एक भाग ले लिया, संपूर्ण का एक भाग लिया। उसी प्रकार जो वृत्त है, वृत्त का क्या होता है, चाप होता है। चले आगे, आप्रवास आगमन, उत्प्रवास क्या हो जाएगा, प्रस्थान। आगमन आप्रवास में आगमन होता, उत्प्रवास में क्या होता है, प्रस्थान। अंधा, अंधा चाक्षुष, अंधा का संबंध किससे है, चाक्षुष से है। बहरा का संबंध किससे है, बहरा का संबंध किससे हो जाएगा, कर्णिक, कर्णिक हो जाएगा। एक स्वरता, इसका अपोजिट दे दिया आपको, अनेक रूपता। एक स्वरता अनेक रूपता। अपरिकृत, अपरिष्कृत, अपरिष्कृत क्या हो जाएगा, अपोजिट ही है, परिष्करण हो जाएगा। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, परिष्करण। नेक्स्ट, लुगदी, लुगदी, लुगदी से क्या बनाया जाता है, लुगदी से कागज बनाया जाता है। सन, सन से क्या बनाते हैं, सन जूट, जूट होती है ना, मंडली बोलते हैं, फिर उसकी छाल को हटा करके रस्सी बनाते हैं। हाँ, पहले खाट वगैरह बनाते थे, अभी ये बोरियां वगैरह जो आती है ना, सूत ले आई, ये किसकी बनी होती है, रस्सी से, मतलब सन से बनी होती है, जूट से। पुस्तक समालोचन, पुस्तक के गुण दोष की पहचान करने वाले को क्या कहते हैं, समालोचक कहते हैं। उसी प्रकार भवन, जो भवन का निर्माण किया, उसके गुण दोष करने वाले को क्या कहते हैं, अभियंता, अभियंता करते हैं। यस, बूंद महासागर, जल की एक छोटी सी राशि क्या है, बूंद, और एक विशाल राशि क्या हो जाएगा, महासागर। एक छोटा सा बिंदु नक्षत्र कहलाता है, और विशाल राशि क्या हो जाएगी, आकाश, अंतरिक्ष का छोटा सा भाग नक्षत्र कहलाता है, और विशाल राशि क्या कहलाती है, आकाश कहलाती है। जिस प्रकार चिकित्सालय का संबंध चिकित्सक से है, मंदिर का संबंध चिकित्सालय, चिकित्सालय में कौन बैठते जी, चिकित्सालय में कौन बैठते हैं, चिकित्सक, मंदिर में कौन बैठेंगे, पंडित, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पंडित। जिस प्रकार लेखक का संबंध उपन्यास, लेखक, लेखक क्या लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं। अभिकल्पिक, इसका संबंध किससे हो जाएगा, पोशाक। अभिकल्पिक क्या करते हैं, पोशाक की डिजाइन बनाते हैं। दर्जी, दर्जी, दर्जी क्या काम करते हैं, वस्त्र। कृषक के हल नहीं होगा, पावड़ा भी नहीं होगा, दर्जी, यहाँ पर सुई होता या कैची होता, तो फिर कृषक का अपन क्या करते हैं, हल बताते हैं, उसका औजार बताते हैं, हल। हाँ, यहाँ पे कृषक, दर्जी कपड़े सिलता है, तो कृषक क्या करते हैं, फसल उगाते हैं।
पेट भोजन इंजन पेट की आवश्यकता की पूर्ति भोजन। अभी लग रही टिप्पण पटो खाया पेट, जिस प्रकार पेट के लिए भोजन आवश्यक है उसी प्रकार इंजन के लिए, इंजन की ऊर्जा के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ईंधन की। कौन कार कौन बोल रहा? कार बोला क्या किसी? नहीं, ध्यान रखना ईंधन। हाँ खाते बुलेट, बुलेट बंदूक, क्या बताओगे इसमें? बुलेट यानी गोली, बुलेट यानी क्या है? गोली। गोली, गोली कहाँ से निकलती है? बंदूक से। धुआं, धुआं किससे निकलता? चिमनी। जिस प्रकार बंदूक से गोली दागी जाती है उसी तरीके से चिमनी से धुआं फेंका जाता है। हाँ, अरे अपन सिगरेट से उसको खींचते फिर मुंह से निकलता धुआं तो। मेरे को पता नहीं, अपना किसी फेटा नहीं पड़ा। कौका बतक है हुकारना। कोको ये किसकी बोली है? बत्तख की। हुकारना किसकी बोली है? सांड। मेंढक की क्या? टर्टल। बिल्ली की क्या? लोमड़ी की क्या होगी? भौंकना होगा, कुत्ते का भौंकना करना। यस। कौली कलाई घुटना पांच सात। हाँ किसी में लोगे। ये इम्पोर्टेंट है भैया ना, काफी एग्जाम पूछा हूँ। कौली कलाई घुटना पैर या टकना, क्या बताओ? टकना कर दो, टकना। यदि कौली और हाथ होता तो घुटना और पैर करते। वायु श्वास, रक्त। जिस प्रकार वायु को श्वास के द्वारा अंदर पहुंचाया जाता है उसी प्रकार रक्त को परिसंचरण के द्वारा शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचाया जाता है। पुरुष की जीवनी होती है उसी प्रकार राष्ट्र का। हाँ, ऐसा नहीं कहता कि मेरा इतिहास देख लो, इतिहास नहीं जीवनी होती। आदमी की जीवनी होती, पुरुष की जीवनी होती, उसी प्रकार राष्ट्र का क्या होता है? इतिहास होता। अंदर कह दो पानी वाणी पीना पियो, मैं दो मिनट में आ रहा हूँ। चिकित्सक, चिकित्सक किसको देखते हैं? रोगी को। राजनीतिज्ञ, चिकित्सक का ध्यान किस पर रहता है? रोगी पर। राजनीतिज्ञ का ध्यान किस पर रहता है? जनता या मतदाता? मतदाता पर। उनका ध्यान कौन कौन वोट डालने वाले हैं उस पर ध्यान रहता है। हाँ, बाकी जनता जाओ बाढ़ में, अपना काम बनता। चलो, अज्ञान। यदि ये किसी को ये बीमारी हो जाए ना तो किससे दूर करोगे आप? शिक्षा से। अज्ञान को अपन शिक्षा से
दूर किया जाता है, उसी प्रकार रोग को किसे? औषधि से। दोषी का संबंध किससे? भूत का। आशा, बहुत आशा लगा रखे होते हैं ना, किससे? भविष्य काल से। निंद्रा, नींद निकालने से क्या होता है? थकावट दूर होती है। अन्न से, अन्न ग्रहण करने से भूख मिट जाती है। ये और देख लेते ज्यादा हो जाएगा, बोलो काले। चलिए ठीक, कल देखते थे ना।